बाद कोविड-19 को लेकर चिंता से चिंतन तक स्वास्थ्य समाज का निर्माण पर संवाद कार्यक्रम नई दिल्ली के रफी मार्ग पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुआ और कार्यक्रम संवाद सत्र में देश के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश जी, हिंदुस्तान कार्यकारी संपादक प्रताप सोमवंशी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। इस संवाद कार्यक्रम में बरेली से खुशलोक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विनोद पागरानी भी पहुंचे। इसके साथ ही न्यू हॉस्पिटल कार्यक्रम में हेल्थ पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ। न्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलाब गुप्ता ने कोविड पर सरकार के प्रयासों को सराहा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन कैप्टन विकास गुप्ता उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालक मीडिया कर्मी सुश्री अंजू सिंह ने किया और कार्यक्रम संयोजक मनीष वाजपेयी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इतिहास की दहलीज पर वक्त के एक ऐसे कालखंड ने भी दस्तक दी जिसकी आहट से हर कोई सहम गया, जिसने मानवता के सामने जो त्रासदी का तांडव किया उसके बाद कहीं ना कहीं हर किसी की जिंदगी में एक कहानी जुड़ गई। कहानी दर्द की, पीड़ा की और अपनों को खोने की बात कोविड-19 की। कोविड-19 को लेकर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चिंता से चिंतन तक स्वास्थ्य समाज का निर्माण एक शीर्षक के साथ एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलम और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के गायन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दैन्यम आराध्यम संस्था के मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस संवाद सत्र का संयोजन वरिष्ठ पत्रकार मनीष वाजपेयी ने किया, जो दैन्यम आराध्यम संस्था के संस्थापक भी हैं। सर्वप्रथम तो सत्य सनातन धर्म के उस विचारधारा को शत शत नमन, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके क्रिया स्वरूप आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मौजूद हैं। दरअसल ये हमारे कर्म की प्रेरणा ही होती है जो हमेशा हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जीवन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। आज का ये कार्यक्रम कुछ इसी संदर्भ में है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बात करने से ही बात बनती है और बात को करने के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हमने संवाद सत्र का आयोजन किया है। संवाद सत्र में हेल्थ पार्टनर के तौर पर साथ में जुड़े नियो हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर गुलाब गुप्ता ने कहा, जहां एक तरफ सरकार कोविड-19 को रोकने को लेकर अनेक प्रयास कर रही है, तो ये समाज का उत्तरदायित्व है कि वो इन प्रयासों में सहयोग करे। कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कोविड को लेकर अपने सर्वसमावेशी विचार रखे। मेडिवेज हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से अनुराग श्रीवास्तव और ब्रजेश श्रीवास्तव की तरफ से अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन एंकर सुश्री अंजू सिंह ने किया। हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक प्रताप सोमवंशी ने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कोविड-19 को लेकर कई दृष्टांत सबके सामने रखे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश जी ने वर्तमान समय का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत किया। दैन्यम आराध्यम के द्वारा और हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें इस बात के लिए था कि भारत दंगा हो चाहे गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी हो, चाहे अनपढ़ता हो और चाहे प्रदूषण हो, चाहे पिछड़ापन और छुआछूत हो, चाहे नारी का शोषण हो, इन सब में से निकलकर दहशत मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, नारी शोषण से मुक्त, गरीब दुखी की मदद करने वाला भारत बने, इसके लिए एक सुंदर कार्यक्रम की रचना की। व्यवसायी जगत ने इस आपदा से तिहरी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने स्वास्थ्य जगत की मदद से अधिकतम मानव संसाधन को सुरक्षित तो रखा, साथ ही सरकार की अपील पर हर कदम पर मदद के लिए मोर्चे पर मौजूद रहा। हालात संभलते ही देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से तेज रफ्तार पर डाल दिया है। सरकार, व्यवसायिक जगत और स्वास्थ्य जगत के अटूट बंधन ने देश को एक नई दिशा दिखाई है।
कि कैसे कंधे से कंधा मिलाकर संकट से उबरा जा सकता है। दिल्ली से के न्यूज इंडिया के लिए अमित दुबे की रिपोर्ट। कबीरधाम जिले में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से 59 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इसके बाद